जो ट्रेलर देख देख के रहा, अंदर से एक्साइटमेंट बढ़ाते जा रहा था, आज भोपाल थिएटर में आ चुका है। वेलकम बैक बॉलीस विद मनीष। विक्रम वेदा एक थ्रिलर मूवी है। विक्रम के किरदार में सैफ अली खान और वही वेदा के किरदार में ऋतिक रोशन। व्हाट एन परफॉर्मेंस ऋतिक रोशन, दोनों ने फाड़ दिया। विक्रम है कॉप जिसे हम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहते हैं और वही वेदा बिल्कुल ही उल्टा विपरीत गैंगस्टर जो सडनली अपने आप को विक्रम के हवाले कर देता है और फिर कहानी पे कहानी स्टार्ट हो जाता है। वेदा विक्रम को कहानी सुनाते रहता है और विक्रम के सोच को अपनी ओर कर लेता है। वेदा का हर आंसर एक क्वेश्चन मार्क सोचने पे मजबूर विक्रम के लिए। फिल्म के फर्स्ट टाइम में कैरेक्टर को डेवलप होने में थोड़ा टाइम लिया और वही सैफ अली खान का थोड़ा बहुत चुटकुल लिया और राधिका आप्टेकर का जो लव स्टोरी दिखाया गया थोड़ा टाइम में खत्म किया गया। एक बहुत अच्छी सोच। सैफ अली खान एज ए पुलिस ऑफिसर एक सख्त किस्म का इंसान है और वही क्रिमिनल का फैमिली के बारे में सोचता है तो वो शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, दिल का अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छे से निभाया। रियली सो गुड। और नेक्स्ट डे वेदा, व्हाट एन परफॉर्मेंस, टोटली पागल है अपना किरदार के लिए। आप भूल ही जाओगे कि वो ऋतिक रोशन है, ऐसा लगा कि वो पागल गैंगस्टर है जिसे हम रियल देख रहे हैं। और जब वेदा विक्रम को एक के बाद एक कहानी सुनाता है, वो वाला सीन देख के आप अपने हाथों के नखून दांत पे काटने पे मजबूर हो जाओगे और ये सोचने पे मजबूर होगा कि ये वाला सीन कैसे पॉसिबल हो सकता है। विक्रम और वेदा दोनों की क्वेश्चन आंसर खत्म होने के बाद वेदा सही और गलत के बीच किसी एक को चूज करने बोलता है और उसी बीच बहुत सारे कैरेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके चलते विक्रम अच्छाई और बुराई के बीच फंस जाता है और सोचता है कौन सा दिशा में जाया जाए। सेकंड हाफ बहुत कड़क है, फुल इंगेज करके रखेगा आपको, कहीं पर भी आपको इतना सा भी नहीं लगा अरे ये यार ये सीन नहीं होता तो चलता था। जब इसका स्टोरी इतना पॉजिटिव है, कहानी में इतना दम है, तो फिर जितना सारा किरदार है वो भी क्यों पीछे रहने वाला था, वो भी अपना परफॉर्मेंस सही लाइन पे सही दिशा पे चलते गए। इसका बीजीएम बहुत कड़क है, दिखता तो नहीं है लेकिन मक्खन की तरह मिल गया। और इसका प्लॉट स्टार्टिंग में जिस तरह सिंपल वे में चलते रहता है और क्लाइमेक्स आते आते इतना ट्विस्ट इतना टर्न मतलब देखने मिलता है, भर भर के निकलता है। मूवी है 2 घंटे 40 मिनट के लेकिन क्लाइमेक्स आते आते अंदर से ऐसे फील हो रहा था अरे यार थोड़ा बहुत कुछ और ऐड हो सकता था। कैमरा वर्क सुपर, लखनऊ और कानपुर के वो गली विजुअल मस्त दिखाया गया। इसमें वीएफएक्स इतना कुछ काम नहीं है, वीएफएक्स नहीं दिखा भाई, पीछे पोस्टर डाल दिया, वीएफएक्स आगे से कैमरा शूट करके दिखाया, ऐसा कुछ नहीं। हर एक चीज आपको रियल देखने मिलेगा और अच्छा भी लगेगा। गायत्री और पुष्कर कहीं पर भी कमियां नहीं छोड़ा लेकिन क्लाइमेक्स में थोड़ा रुला दिया। 2017 में ओरिजिनल जो विक्रम वेदा आया था उसे मैंने अभी तक नहीं देखा। मैं क्या, मेरे ऐसे बहुत मूवी लवर होंगे जो अभी तक वो फिल्म नहीं देखा है। जिसको देख रहे हैं 2017 का विक्रम वेदा G5 में अवेलेबल है, जाके देखो। ये फिल्म देखने बाद मन तो कर रहा है ओरिजिनल वाला जाके फिल्म देखो, कंपेयर करो किसका परफॉर्मेंस अच्छा था, किसका स्टोरी लाइन अच्छा था, किसका कैमरा वर्क अच्छा था, डायलॉग किसमें अच्छा था, सब कुछ में तो कंपेयर करने मन कर रहा है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में इसी टॉपिक को लेके। और आपको ये फ्रेश स्टोरी, मेरे लिए फिलहाल तो ये फ्रेश स्टोरी था, वो देखने के बाद मालूम है कौन सा फ्रेश है कौन सा मेरे लिए रीमेक था। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।